हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल UGC नेट क्रिकेट में। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और नौकरी से रिलेटेड है। मैं डेली सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी से रिलेटेड वीडियो UGC नेट क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूं। इस वीडियो में लाइब्रेरियन के 8 पद और PGT, TGT टीचर, PRT टीचर, प्राइमरी टीचर, म्यूजिक टीचर और कंप्यूटर टीचर के कुल 205 पदों के बारे में बताने वाला हूँ। विभिन्न विषय में कुल 205 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। यह जो विभिन्न पद हैं, एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी में आया है, जिसमें कुल 205 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। तो इस चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक UGC नेट क्रिकेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, वेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, क्योंकि इस चैनल पर डेली सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया जाता है। तो इसमें जो विभिन्न पद हैं, AEES.gov.in में आया है, यहाँ से जाकर ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, जहाँ से भी आप ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें विभिन्न सेंटर की बात करें तो यह सेंटर का नाम दिया है, प्लेस दिया है, डिस्ट्रिक्ट दिया है और स्टेट दिया है। इन जगहों पर सेंटर है, जैसे 15 सेंटर इसमें दिया हुआ है। और विभिन्न पोस्ट की हम बात करें और सब्जेक्ट की बात करें तो PGT टीचर में इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस और बायोलॉजी में आवेदन आमंत्रित हैं। यहाँ पे कैटेगरी वाइज पोस्ट दिया है, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। PGT टीचर में विभिन्न सब्जेक्ट में आवेदन आमंत्रित हैं, जिसमें इंग्लिश, सोशल साइंस, हिंदी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, PTI मेल, PTI फीमेल, आर्ट एंड मराठी लैंग्वेज के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। लाइब्रेरियन की बात करें तो लाइब्रेरियन के टोटल 8 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित हैं। PRT टीचर यानी प्राइमरी टीचर के लिए कुल 17 पद हैं, यानी 70 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। PRT टीचर, म्यूजिक टीचर के लिए कुल 5 पद हैं और प्री प्राइमरी टीचर के लिए कुल 6 पद पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। इस तरह से टोटल 205 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है, जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो आपसे एक बात बता दूं कि इस चैनल पर डेली सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया जाता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, जिससे अपडेट और नई वीडियो की जानकारी टाइम टू टाइम आपको मिलता रहेगा। इसमें यहाँ पे आते हैं तो क्वालिफिकेशन दिया है, सभी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। तो क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डिटेल जानकारी एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके पढ़ना है। इसके अलावा जो सिलेबस है, सिलेबस भी इसमें दी गई है, सिलेक्शन प्रोसेस भी दिया हुआ है। सभी पोस्ट के लिए सिलेक्शन प्रोसेस और सिलेबस डिटेल जानकारी इसमें दी गई है। 17 पेज का यह एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। अपर एज की बात करें तो अपर एज PGT टीचर के लिए 40 साल अधिकतम है, PGT टीचर के लिए 35 साल हैं, PRT टीचर के लिए 30 साल हैं। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल्स है एज में छूट के लिए, वो अप्लीकेबल हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ही आवेदन आमंत्रित किया गया है। जो सिलेक्शन प्रोसेस है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और इसके बारे में सिलेबस और किस प्रश्न से कितने अंक का पूछा जाएगा, इसके बारे में डिटेल जानकारी इसमें दी गई है। अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए AEES.gov.in के साइट पर जाकर वहाँ से ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। और सभी पोस्ट के लिए कैटेगरी वाइज इसमें डिटेल जानकारी दिया है, यानी अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए पोस्ट वाइज डिटेल जानकारी दी गई है कि क्या क्या पोस्ट वार रिक्वायर है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, इसके बारे में डिटेल जानकारी इसमें दी गई है। इसलिए अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके एक बार आपको पढ़ लेना है, उसके बाद ही अप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। जनरली मैं बता दूं, जो आपका सिलेबस है, क्वेश्चन पेपर है, तो PGT टीचर के लिए 100 मार्क्स का है और 2 से 2.5 घंटे का आपका पेपर है और 100 प्रश्न पूछा जाएगा जो मल्टीपल चॉइस होगा। PGT टीचर और लाइब्रेरियन के लिए भी सेम कंडीशन है, PRT टीचर के लिए भी सेम है। तो यह आपके सिलेबस दी हुई है PRT टीचर, म्यूजिक टीचर सभी के लिए। तो आप एक बार इसको पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा, पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इस पद के लिए यानी ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जो तिथि की हम बात करते हैं तो 23 मई 2022 से ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और 12/6/2022 ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि है और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको वेबसाइट पर विजिट करना है। CVT टेस्ट के लिए भी बाद में आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, यानी वेबसाइट के थ्रू आपको इन्फॉर्म हो जाएगा।
तो ये सब डिटेल हैं। इसके बाद से सीबीटी टेस्ट के लिए यहाँ पे सेंटर दिया गया है, जो इंडिया में जगह जगह सेंटर हैं, 12 सेंटर हैं, जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, कोची, गुवाहाटी, अहमदाबाद, इंदौर, प्रयागराज यानी इलाहाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु, लखनऊ में हैं। अप्लीकेशन शुल्क की बात करें, तीस अप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए ₹500 अप्लीकेशन शुल्क हैं, और यदि आप कैटेगरी में हैं तो आपको अप्लीकेशन शुल्क नहीं लग रहा है कैटेगरी में। एसी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी अप्लीकेशन शुल्क नहीं लग रहा है। तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि यह सूचना सबके पास पहुँचे और सभी